बड़ा दिन है आपके लिए, क्योंकि आप गौतम गंभीर से मिले, आपको बहुत टाइम आपने इनको टीवी पे देखा, फिर उसके बाद इन्होंने जो आपके परिवार के लिए किया बहुत ही बहुत अच्छा किया जी। ऐसा तो दुनिया में कोई क्रिकेट खिलाड़ी या वो ऐसा भी खिलाड़ी नहीं है जो गौतम जी कर रहे हैं। वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छी आत्मा के आदमी हैं, जो ऐसी शहीदों के बारे में ऐसा सोचा उन्होंने उनके बच्चों के बारे में। फादर्स नेम इज़ रामेहर सिंधु, हेड कांस्टेबल डेजिग्नेशन है उनके, और वो हमेशा से फ्रैंक रहे हैं। मतलब कभी भी उन्होंने ऐसे कहीं पर भी पोस्टिंग हुई है तो कभी ऐसे नहीं कहा कि यहाँ पर होनी चाहिए यहाँ पर क्यों हुई, हमेशा अपने जॉब को बहुत ही सिंसियरली किया। तो बहुत ही एमिंग थे वो कि अभी यहाँ पर हैं तो रिटायरमेंट आने के बाद ये चीज़ें करनी हैं, यहाँ पर सेटल होना है, बहुत सारी मतलब हमेशा पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस। क्या बनना चाहते हैं और गौतम गंभीर किस तरह से आपकी मदद करते हैं? अभी मैं BSc एग्रीकल्चर कर रहा हूँ, तो उसके बाद UPSC के एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करनी है, और गौतम सर बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली, स्टडीज़ में भी और हर एक फील्ड में, तो थैंक्स टू। अगर आप किसी को अब नाम भी बताओ तो वो नहीं जानते, कोई नहीं जानता, तो एक मौत उनकी तभी होती है, वैसे तो शहीदी कहलाते हैं। और जो कर रहे हैं जैसे गौतम गंभीर सर कर रहे हैं, अक्षय कुमार सर ने कर रहे हैं, काफ़ी इनका थैंकफुल हूँ मैं, पूरी 25 फैमिलीज़ की तरफ से मैं पूरा थैंक्स बोलता हूँ इनको, कि इन्होंने बहुत अच्छा एक स्टेप फॉरवर्ड लिया है कि हम करेंगे उनके लिए। और मैं चाहता हूँ कि और भी क्रिकेटर्स और भी सेलेब्स करें, स्टार्ट करें, ताकि जो भी मान लो अगर एक फाइनेंशियली हेल्प करता है, 1% की भी हेल्प करता है, अगर 100 करेंगे तो 100% हेल्प होगी, तो एक सपोर्ट मिल जाता है पूरा फैमिली को, चाहे वो पूरा उसका दर्द ना कम कर सके, पर एक सपोर्ट फाइनेंशियली रहता है या एक पीछे से सब बैकअप रहता है कि हाँ कि हम आपके साथ हैं, जुड़े हुए हैं, तो फैमिली डरती नहीं, निडर रहती, कॉन्फिडेंस लेवल एक बना रहता है। तो जब वो कॉन्फिडेंस बना लेवल बना रहेगा तो जाहिर सी बात है कि हम थोड़ा मिस तो करते ही हैं, उस चीज़ को थोड़ा हम कम इग्नोर करके आगे बढ़ लाइफ में मूव ऑन कर सकते हैं।